गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, द प्राउड काइट। ओके, एग्ज़ाम के पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया था चैप्टर 1, 2, 3। टुडे इज़ योर न्यू चैप्टर, दैट वन इज़ द प्राउड काइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, द प्राउड काइट। मोहन वॉज इन हिज रूम, मोहन अपने कमरे में था। मोटू हिज लिटिल पप वॉज ऑल्सो विथ हिम। पप, पप मीन्स होता है बेटा पप्पी। आप जिसको एक होता है ना डॉगी, डॉगी के बेटे, डॉगी के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पप्पी। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है पप, ठीक है। तो मोटू हिज लिटिल पप वॉज ऑल्सो विथ हिम। मोटू, उसके पास एक छोटा सा पप्पी था जिसका नाम था मोटू। मोटू भी उसके पास रहता था, एक छोटा सा पप्पी मोटू जिसका नाम था, वो मोहन के साथ रहता था। मोहन लव्ड मोटू वेरी मच, मोहन मोटू को बहुत प्यार करता था। मोटू वॉज स्नो वाइट विथ लॉन्ग फर ऑल ओवर इट्स बॉडी। और जो मोटू था उसके, आप जानते ही हो जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, बिल्ले होते हैं, जो छोटे छोटे कितने क्यूट से होते हैं, तो उनके जो ये जो मोटू था उसके बॉडी पे वाइट कलर का लॉन्ग फर, मतलब वाइट कलर के लंबे लंबे फर, जैसे स्नो वाइट मतलब बर्फ़ के जैसे सफ़ेद सफ़ेद उसके फर थे, उसके शरीर पूरे शरीर पर बर्फ़ के जैसे पूरे सफ़ेद सफ़ेद फर थे। इट वॉज़ इवनिंग, शाम का समय था। मीनू द लिटिल स्पैरो केम फ्लाइंग अलॉन्ग विथ अ फ्लाइट ऑफ स्पैरोज एंड सेट ऑन अ ट्री आउटसाइड मोहन्स विंडो। हर शाम में, मतलब डेली शाम में क्या होता था, एक छोटी सी स्पैरो थी, स्पैरो मीन्स होता है गौरैया, एक छोटी सी स्पैरो थी, वो अपने कई सारे गौरैयों के साथ डेली डेली शाम को मोहन के घर के बाहर, मोहन के घर के में खिड़की थी, खिड़की के बाहर मीन्स मोहन के घर के बाहर एक गार्डन था, गार्डन पे, गार्डन में एक बड़ा सा पेड़ था, तो जो वो लिटिल स्पैरो थी वो अपने कई सारे दोस्तों के साथ उस पेड़ पे डेली आके बैठती थी। दे केम एवरी इवनिंग टू द गार्डन, वो उस गार्डन में डेली आते थे। दे चिप्ड देयर टिल सनसेट, वो तब तक वहाँ पे, चिप्ड मीन्स होता है चहचहाना, चिड़ियों की जो आवाज़ होती है उन्हें हम कहते हैं चिप्ड मीन्स चहचहाना, ठीक है। तो वो वहाँ पे बैठ के, उस पेड़ पे बैठ के तब तक चहचहाती रहती थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे, जब तक सूरज नहीं डूब जाता था तब तक वो शाम में आती थी, शाम में आती थी मीन्स आप समझ लो 3-4 बजे आती थी, और जब तक सूरज नहीं डूब जाता था तब तक वो वहाँ बैठ के चहचहाती थी। ओके, व्हेन द सन वॉज अबाउट टू सेट द स्पैरो एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू देयर नेस्ट। और जब सूरज डूबने का, मतलब सूरज, उन्हें जब लगता था कि अब सूरज डूबने जा रहा है तो हमें अपने घर चलना चाहिए, तो जब सूरज डूबने वाला होता था तो स्पैरो, सारी स्पैरो अपने अपने घर चली जाती थी, अपने अपने घोंसलों में चली जाती थी। द लिटिल स्पैरो वॉज मोहन्स फ्रेंड, उसमें से एक छोटी सी गौरैया थी वो मोहन की फ्रेंड बन गई थी। वन डे मोहन मेड ए नाइस काइट, इट वॉज ए रेड काइट विथ ए लॉन्ग टेल। एक दिन क्या हुआ, मोहन ने एक नाइस काइट, मोहन ने एक छोटी सी काइट बनाई, काइट मीन्स होता है क्या, पतंग, मोहन ने एक छोटी सी पतंग बनाई। इट वॉज़ ए रेड काइट विथ ए लॉन्ग टेल, उस काइट का कलर रेड था और उसके पास बड़ी सी एक लंबी सी पूंछ भी थी। मोटू वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी द काइट, मोटू भी उस काइट को देख के बहुत खुश हो रहा था। सो वर मीनू एंड हर फ्रेंड्स, मीनू भी बहुत खुश हो रही थी उस काइट को देख के, और उसके दोस्त भी बहुत खुश हो रहे थे। दैट इवनिंग, उसी दिन मोहन वेंट आउट विथ हर काइट, उसी दिन क्या हुआ, शाम में मोहन उस काइट को लेके गार्डन में गया। मोहन टाइड द काइट टू ए लॉन्ग थ्रेड, मोहन ने पतंग को एक मोटे से धागे में टाइटली से बांध दिया। द विंड वॉज ब्लोइंग फास्ट, हवा बहुत तेज चल रही थी, सो द काइट वेंट अप इन द स्काई इन नो टाइम। इसलिए जो काइट थी, पतंग थी, उसको ऊपर स्काई में ज़्यादा जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो बहुत ऊपर चली गई। मोटू लुकड अप, मोटू ये सब देख रहा था। द काइट लुकड क्वाइट लवली इन द स्काई, मोटू देख रहा था कि जो काइट है वो ऊपर आसमान में उड़ती हुई कितनी सुंदर लग रही थी, कितनी अच्छी लग रही थी। हाई वेंट द काइट, बहुत ऊपर चली गई थी। हायर देन द टॉल बिल्डिंग्स, द ट्रीज, द ट्रीज द एंड द ईगल्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, द काइट वॉज वेरी हैप्पी, आई एम हायर देन ऑल अदर थिंग्स। वो काइट इतनी ऊपर चली गई थी, वो मतलब बड़े, उसके घर के आसपास जो बड़ी बिल्डिंग्स थी उनसे भी ऊपर चली गई थी, बड़े बड़े पेड़ों से चली गई थी। ईगल जो स्काई में जो बाज उड़ रहे थे, ईगल उड़ रहे थे, उनसे भी वो बहुत ऊपर चली गई थी। काइट बहुत खुश नज़र आ रहा था और वो बोल रहा था आई एम हायर देन ऑल अदर थिंग्स, और मैं प्रेजेंट टाइम में सबसे ऊँचा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से सबसे ऊँचा हूँ। मीनू एंड हर फ्रेंड्स वेंट अप इन द स्काई
टू रीच द काइट. मीनू और उसके दोस्त सारे स्काई में गए और उस काइट को पकड़ने की कोशिश की, उस काइट तक पहुंचने की कोशिश की. और फिर मीनू ने कहा, यू आर वेरी लकी काइट, तुम बहुत लकी हो. यू लुक प्रिटी इन द स्काई, तुम स्काई में बहुत अच्छे दिख रहे हो. यू कैन फ्लाई वेरी हाई, तुम और भी ऊँचा उड़ सकते हो. मतलब उसने, उस जो मीनू थी वो जानबूझ के काइट को करे ताकि काइट को प्राउडली आ जाए और वो ऊपर चला जाए, फिर वो नीचे ना आ पाए. इसलिए उसने कहा, यू आर वेरी लकी, तुम बहुत लकी हो, तुम ऊपर, तुम आसमान में बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम और ऊपर उड़ सकते हो. द काइट बिकम वेरी प्राइड, काइट को बहुत अपने ऊपर प्राउड हुआ, घमंड हुआ. उसने कहा, आई कैन गो हायर एंड हायर अप, हाँ मैं और ऊँचा जा सकता हूँ, और ऊँचा जा सकता हूँ. आई कांट गो, बट मैं जा नहीं सकता, बिकॉज मोहन होल्ड्स द थ्रेड, क्योंकि मोहन ने मुझे धागे में बांधा हुआ है. ही डज नॉट लेट मी फ्लाई हायर एंड हायर, वो लेकिन मुझे ऊपर जाने नहीं, मैं जा नहीं सकता क्योंकि उसने मुझे बांध के रखा हुआ है, उसने मुझे थ्रेड में बांध के रखा हुआ है. यहाँ तक आपको, आप स्टोरी पढ़ो. इसके बाद मैं इस वीडियो के सेंड करने के बाद कुछ वर्ड्स जो इसमें टिपिकल वर्ड्स हैं उसकी भी मीनिंग लिख दे रही हूँ. आप बुक में उसके नीचे जो इसी जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे चिप्ड हुआ एंड स्नो वाइट हुआ, तो मैं इन सबकी मीनिंग भी लिख के सेंड कर दे रही हूँ. आप उस बुक के नीचे उस चैप्टर अंडरलाइन करके उसके ऊपर मीनिंग लिख लीजिए. नेक्स्ट इसके आगे जो बचा हुआ स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चों, आप लोग इसको समझो. मैं इसकी नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट टाइम पे बताऊँगी. ओके, थैंक यू.